गांधी जयंती के अवसर पर और साथ ही साथ जो देश के दूसरे प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी, उन दोनों की आज जो है वो जन्मतिथि है और दोनों का देश के आज़ादी में भी और देश को बनाने में भी और देश को एक दिशा देने में एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। और कांग्रेस पार्टी उन्हीं के मूल्यों पर, उन्हीं के सिद्धांतों पर, उन्हीं के दिखाए हुए रास्ते पर आगे चल रही है। और आज के जो नया भारत बना है उसके परिप्रेक्ष्य में हमें नए भारत का निर्माण तो करना है, उसमें कोई दो राय नहीं है, मगर मूल्य और सिद्धांत वही होने चाहिए जो हमारे देश के आज़ादी के समय में जिन नेताओं ने अपनी जान की कुर्बानी भी दी और साथ साथ बहुत लंबे समय तक जो लोग कारागार में रहे, उन्होंने जिस भारत की कल्पना करी थी, आज 75 साल बाद भी हमें उनकी दिखाए हुए रास्ते पर आगे चलना है, भारत को आगे लेकर जाना है। और देश का सबसे मजबूत जो है वो राष्ट्र बनाने में हम सब का योगदान उसमें होना चाहिए, चाहे कोई बड़े से बड़ा व्यक्ति हो, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, पंचायत का प्रधान हो, सब लोगों का एक कंट्रीब्यूशन देश के लिए रहता है, चाहे हमारे बिजनेसमैन है, चाहे हमारे एडवोकेट्स है, चाहे हमारे किसान है, हमारे बागवान है, सब लोग मिलकर भारत को बनाते हैं, सब लोग मिलकर देश को बनाते हैं और सभी का योगदान जो है वो देश निर्माण में, प्रदेश निर्माण में रहता है। तो मैं तो आज यही कह सकता हूँ कि इन दोनों महापुरुषों के सिद्धांत, इनके दिखाए हुए रास्ते, इनकी जो सोच है उस पर हमें निरंतर आगे चलता रहना है और देश को और प्रदेश को विकास की राह में आगे ले जाने की सख्त आवश्यकता है। यहाँ पर कांग्रेस भवन में एकत्रित हुए हैं महात्मा गांधी जी को श्रद्धा के सुमन अर्पित करने के लिए। हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी, जिनका जन्मदिन भी आज होता है, उनको हम श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हैं। उनकी योगदान देश के लिए और विश्व में आज सारे भारतवर्ष के लोग, बल्कि विदेश के लोग भी इन महान हस्तियों को अपने श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हैं और उनकी योगदान को सब याद करते हैं। तो इसी उपलक्ष पर आज हम भी एकत्रित हुए हैं। उनके जन्मदिन के दिन हम लोगों ने जो उनको श्रद्धा के सुमन अर्पित करने, उसके लिए सभी की जनभावनाएं आज हमारे साथ हैं और उन्हीं के बताए हुए रास्तों पर हम आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं।